नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और एनपीसी गुरुकुल परिवार की तरफ से आपके लिए दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि ये आपका त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन में हमने आरओ यारो का बैच आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर लॉन्च किया है। चंदर सर ने उसकी पूरी डिटेल दी है, आप जाके वीडियोज के सेक्शन में चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसा कि दीपावली का त्यौहार हम प्रकाश का त्यौहार यहाँ पर मानते हैं और शिक्षा का उद्देश्य यही होता है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, तो आज आरओ यारओ की हिंदी के यहाँ पर हम अभिमन्यु सीरीज चलाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको हिंदी के लिए एक बहुत ही रिनोन्ड फैकल्टी से मिलवाने वाला हूँ। कपिल सर ऑफलाइन में काफी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब आपके साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। तो कपिल सर आज आपकी पहली क्लासेस लेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी पहली क्लास यहाँ पर कपिल सर लेने वाले हैं। आरओ यारओ में हिंदी का पूरा जिम्मेदारी, आपके फुल मार्क्स की जिम्मेदारी कपिल सर की रहेगी। तो आप यहाँ पर पूरी वीडियो को देखें और कपिल सर को अपना प्यार दें। चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं जो भी आरओ यारओ का फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लास्ट टाइम में आपके लगवाए जाएंगे। तो मैं कपिल सर को आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आइए भाई कपिल सर। तो कपिल सर हमारे हैं, आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपिल सर जो भी यहाँ पर आपको हिंदी की पहली क्लास देने वाले हैं, आप उसको ध्यान से समझें। और देखिए एक क्लास में आप कुछ भी यहाँ पर निर्णय नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कैसा है। तो लगातार अगर आप कपिल सर के साथ बने रहेंगे और हिंदी की जो क्लासेस हैं वो आपको कपिल सर देते रहेंगे, काफ़ी हिंदी का ज्ञान है सर को, काफ़ी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर कपिल सर आपकी पहली क्लास लेंगे। अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कपिल सर आपसे आज हिंदी की क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि सीएस सर की आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें उन्होंने पूरे आरओ एआरओ के सिलेबस को डिस्कस किया है, यहाँ पर हम आज पहली हिंदी की क्लास लेके आए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये मतलब कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं मतलब जिनको हम बोलते भी रहते हैं और उनको हम दैनिक सुनते भी रहते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन में आते हैं तब हम जल्दी से अटक जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, आज यहाँ पर हमारा दिया गया है अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। यहां पर एक हमको शब्द दे रखा है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय शब्द की अगर हम यहां पर बात कर लें तो अविश्वसनीय का मतलब यहां पर वो शख्स जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला दिया गया है जो पराव का हित चाहता हो। यहां पर हम पे विश्वास के लेके कोई बात नहीं कही है, यहां पर हित के लेके बात की गई है। हित और विश्वास में बहुत अंतर है। दूसरी बात करते हैं, जिस पर विश्वास किया गया हो। तीसरा दिया है जिसका विश्वास किया जा सके। जिसका विश्वास किया जा सके वह तो विश्वसनीय व्यक्ति हो गया। आगे यहां पे दिया है जिस पर विश्वास किया गया हो किया जा सकता है, गया हो में बहुत अंतर है। यहां सेकंड को ऑप्शन दिया गया हमारा जो विश्वास करने योग्य हो। जो विश्वास करने योग्य की अगर हम यहां पर बात करें तो वह व्यक्ति अविश्वसनीय जिस पर हम विश्वास कर योग्य ना हो। यहां पर आप देख सके इसकी अगर बात की, यहां दिया गया है विश्वास किया गया है और कह रहा है अविश्वसनीय। अगर ये यहां दिया होता, आ नहीं दिया गया होता तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता, क्योंकि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये हमारा अविश्वसनीय शब्द दिया गया है तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है जिस पर विश्वास किया गया हो। देखिए पिछला जो शब्द हमें दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। पहली बार ये कह रहा है जिस पर विश्वास किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है विश्वमित्र की अगर हम बात कर लें तो यह इसका अर्थ होगा वह मित्र जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं।
यहाँ मित्र की बात की गई है, व्यक्ति की बात नहीं की गई है। अगली बात आ जाए विश्वासघात। विश्वासघात, घात का मतलब अगर हम यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये आ जाएगा आघात। आघात का मतलब वह व्यक्ति जो हमें घात यानी नुकसान पहुंचाता हो, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगली बात करते हैं विश्वस्त। विश्वस्त का मतलब होता है विश्वस्त, किसी चीज पे हमें विश्वास हो गया है। यहाँ पे हमसे कह रहा है जिस पर विश्वास किया गया है, हमने जैसे पीछे देखा था विश्वसनीय व्यक्ति। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है अवर्णीय। अवर्णीय, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य यहां हमें देखना है। पहला देखते हैं जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो। दूसरा दिया है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। तीसरा दिया गया है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। चौथा दिया है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अब वर्णीय कि हम यहाँ पे हमने बताया था, जैसे आ जो यहाँ पे हमारे लगाया गया है, आ का मतलब होता है इस, आ का मतलब यहाँ पे नकारात्मकता चीजों के लिए होता है। वर्णीय मतलब जिसका वर्णन किया जा सकता हो, आ मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो। तो हमें यहाँ पे दिया गया है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, मतलब वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसको हम बोल नहीं सकते वह अवर्णीय हो गया। अगली बात करते हैं, अगला दिया गया है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे हमारी बात की गई है एक ऐसे शब्द के लिए जब हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कहावत भी है, गांव में कहा गया है कि आज पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, आधा चंद्र ग्रहण है, आधा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब है चंद्र, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, जन पे ग्रहण लगता है, तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला दिया गया है पूर्णिमा। पूर्णिमा जो है हमारे वह हिंदी मास के 15 दिन बाद, जब हमारा जिस दिन चांद पूरा हो जाता है उस दिन पूर्णिमासी कहलाती है। अगला दिया गया है अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या का मतलब जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है उस दिन वह अमावस्या कहलाती है। जैसे आप देख रहे होंगे समय हमारा एक पर्व चल रहा है, दीपावली का पर्व, और सब आप सब जानते भी होंगे दीपावली का पर्व अमावस्या में मनाया जाता है। इसलिए अमावस्या का मतलब हो गया जिस दिन चांद हमें दिखाई नहीं देता है, चांद पूरी तरीके से ढक जाता है। ढक जाता है मतलब ग्रहण नहीं लगता है, चांद हमें दिखाई नहीं देता है। अब आगे आप देखिए ऑप्शन हो जाता है खग्रास। खग्रास का मतलब वह होता है, ग्रास का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज को ढक लिया गया है, ग्रास। और खग्रास का मतलब होता है पूर्णतः ढक लिया गया है। इसलिए हमारा इसका पहला ऑप्शन खग्रास राइट हो जाता है। आगे बात करते हैं, दिया गया है अभेद शब्द का एक वाक्य है। अभेद शब्द के लिए पूछा गया है यहाँ पे एक वाक्य की बात। और जैसा मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी, आ का मतलब नकारात्मकता। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। दूसरा दिया गया है जो कानून के अनुसार मान्य हो। तीसरा दिया है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। चौथा दिया है जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। अब यहाँ पे बात की गई है वैध, वैध अवैध की। वैध का मतलब पूर्णतः वैध, हर चीज में वैध है, कानून द्वारा वैध है, हर चीज के मतलब हमारी नजरों में वैध है, समाज की नजरों में वैध है, कानून की नजरों में वैध है, तो वहां पे वैध। अब अवैध कह दिया गया है तो मतलब ऐसा काम या ऐसा शब्द या ऐसी वाणी जो समाज एक्सेप्ट नहीं है, मतलब उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या विधि द्वारा हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वह हमारा अवैध कहलाता है। अब ऑप्शन देखिए, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। कानून नहीं टूट रहा है, मतलब स्वीकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन कानून उसमें नहीं टूट रहा है। दूसरा, जो कानून के अनुसार मान्य हो। मान्य तो है ही नहीं, मान्य होता तो वो वैध होता ना। तीसरा दिया गया है जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब विधि उसको एक्सेप्ट करती हो, समाज हमारा या कानून उसको एक्सेप्ट करता हो, ये भी नहीं होगा। दिया है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। विरुद्ध मतलब हम कानून के कानून के जो है दायरे से रहकर बाहर काम कर रहे हैं, वह हमारा अवैध कहलाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है,
यहाँ हमें चार विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति सॉरी जो अंधा तो है लेकिन वह अपने उसके अंदर ज्ञान इतना है कि वह ज्ञान के द्वारा दृष्टि मतलब समाज को देख पा रहा है, जान पा रहा है कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। तो यहां पूछा गया ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति में पूछा गया, पहला पूछा गया है, पहला दिया है ज्ञान चक्षु, दूसरा दिया गया है त्रिकालदर्शी, तीसरा दिया गया है दिव्य चक्षु और चौथा दिया गया है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब होता है ऐसा दोष, मतलब दृष्टि दोष का यहाँ पे मतलब होता है जब हमारी दृष्टि में आंख में या कोई कमी आ जाती है, जैसे किसी को पास का दिखना बंद हो जाता है, किसी को दूर का दिखना बंद हो जाता है तो वहां पे या कम हो जाता है तो वह दोष कहलाता है, उस दोष के आधार दृष्टि दोष कहलाता है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात कर ले त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जो जानने वाला लेकिन अंधा व्यक्ति नहीं, मतलब सब कुछ जानता है, बहुत जल्दी जानता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे पंडित मिलेंगे जो बहुत वेद पढ़े हुए, तो हम उनको कह देते हैं वह बहुत वेदों के ज्ञाता है, उनको त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं हम, तो त्रिकालदर्शी नहीं होगा। ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु का मतलब होता है ज्ञान और चक्षु का मतलब होता है हमारे नेत्र, ज्ञान चक्षु का मतलब हमारे ज्ञान चक्षु से यहाँ पे कहा गया है हम, मतलब जो व्यक्ति को वो हम जैसे कुछ कह दें, हम उसको बात बता दें कि ये बात गलत है या हम उसको राय दे दें तो कहता है तुमने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, मतलब मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी चीजें बातें बता दी जो मुझे नहीं पता थी वह पता चल गई। अब आगे आता है हमारा ऑप्शन सी दिव्य चक्षु, दिव्य का मतलब होता है अंधा। आप कभी भी देखिए ये एक पर्यायवाची भी आपको मिल गया अंधे का, दिव्य दिव्य और चक्षु का मतलब नेत्र, इसलिए हमारा ऑप्शन तीन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, पंचामृत आप सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और कमेंट करें इसके आंसर को, क्योंकि आप सब लोग बहुत सुना होगा इस शब्द को और बहुत अच्छी तरीके से मेरे मित्रगण सर बहुत लोग जानते होंगे, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम देख लेते हैं ऑप्शन, पहला दिया पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह, दूसरा दिया पांच तत्वों का समूह, तीसरा दिया पांच प्रकार के कोष का समूह, चौथा दिया है दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो आप सबने देखा होगा हवन जब हमारे यहाँ होता है तो पंडित जी कहते हैं भाई पंचामृत बनाया है, पंचामृत का मतलब दूध दही, घृत घृत का मतलब घी, शर्करा मतलब चीनी, मधु मतलब शहद से बना ऐसा पदार्थ जो हमारे देवताओं के लिए चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय की बात कर रहा है, जब हमारे 12 बजे के बाद का जो समय होता है उस समय की बात कर रहा है। पूर्वाहन, दूसरा दिया है मध्याह्न, तीसरा दिया है अपराहन, चौथा दिया है गोधूली। अगर हम पूर्वाहन की बात कर ले तो पूर्वाहन हमारा होता है वह सुबह का समय होता है, सुबह जो हमारा टाइम होता है 12 बजे से पहले का उसे हम पूर्वाहन कहते हैं, ठीक है ये नहीं होगा। मध्याह्न मतलब मध्याह्न जो हमारा 12 बजे का समय आता है वह हो जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। तीसरी बात कर ले गोधूली, गोधूली का मतलब होता है जब हमारी शाम को अंधेरा आ जाता है तो उस समय गोधूली कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन अपराहन राइट हो जाएगा। आगे बात करते जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो लिखना पढ़ना जानता हो मतलब उसको पढ़ना भी आता है लिखना भी आता है, हम उसकी बात कर ले, पहला ऑप्शन साक्षर, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा विद्वान, चौथा निरीक्षर। अब हम यहां बात कर ले अगर सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है पढ़ना लिखना जानता हूं तो इसका ही ऑप्शन राइट नहीं होगा। निरीक्षर जो बिल्कुल ही नहीं आता है, जिसको पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता वह हो जाएगा। विद्वान मतलब, विद्वान का मतलब यहां पर कुछ जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला, इसलिए विद्वान भी नहीं हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका पहला ऑप्शन साक्षर राइट हो जाता है। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, आप सब लोग आपने देखा होगा इस समय हमारी मोदी सरकार भी जो है वह साक्षरता पर ध्यान दे रही है, साक्षरता मतलब साक्षर होना पढ़ा लिखा होना। आगे बात करते हैं जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, विदेश में रहता हो मतलब रहने वाला यहां का हो और वह विदेश में रह रहा हो, अंतेवासी नहीं होगा, प्रहरी नहीं होगा,
प्रगलभ नहीं होगा, इसका ऑप्शन हमारा प्रवासी हो जाएगा। प्रवासी मतलब आपने देखा होगा, प्रवासी मतलब यहां वास करता है लेकिन वह अभी विदेश में रह रहा है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले की अगर हम बात करें तो मतलब वह व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं जानता है, जो उर्दू भी जानता है, बंगाली जानता है। हमारे भारत में जितनी भाषाएं चल रही हैं उनमें से बहुत सारी भाषाओं को, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब जानता है, तो उसकी यहाँ बात की गई है। वहाँ पर बात कीजिए, पहला दिया गया है बहुभाषाविद, दूसरा दिया गया है बहुभाषी, तीसरा दिया गया है द्विभाषिया और चौथा दिया गया है बहुभाषिया। अब यहाँ अगर हम बात कर लें बहुभाषिया नहीं होगा, मतलब बहुभाषिया बहुत सी भाषा बोलने वाला, लेकिन यहाँ पे बात की गई है हमें जानने वाला, इसलिए इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन हमारा बहुभाषाविद राइट हो जाएगा। दूसरा दिया है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, जैसे हमने पीछे भी देखा था एक से अधिक भाषाएं जानने वाला या बहुत सी भाषाएं जानने वाला हमारा बहुभाषाविद कहलाएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है दो भिन्न भाषाओं, भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, मतलब दिया गया है दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक शब्द की बात की गई है यहाँ पर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं के बीच में, मतलब दो भाषाओं के बीच में ट्रांसलेटर, आप अगर यहाँ बात करें भाषा मतलब भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता, अगर हम इसकी सही से बात करें तो हम कर सकते ट्रांसलेटर। ऐसा व्यक्ति जो मतलब आपने देखा होगा बहुत से हमारे फॉरेनर जब आते हैं तो उनकी भाषा यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या बोलना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश बोलते हैं। उनके साथ आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके दुकानदार से या किसी भी क्या नाम है कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे जैसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो उनको बताते हैं, उसकी जानकारी वहाँ पे लिखी हुई है, अगर हिंदी में लिखी हुई है तो उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात की जा रही है भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, इसलिए इसका हमारा आंसर राइट हो जाएगा द्विभाषिया। द्विभाषिया मतलब दो भाषाओं के बीच में मध्यस्थता करने वाला। आगे बात करते हैं दो भाषाएं बोलने वाला, वहां पर ध्यान रखना दो भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला और दो भाषाएं बोलने वाले में अंतर है, सेम नहीं होता है। यहां पर पहला होगा द्विविज नहीं होगा, दूसरा है द्विभाषी, तीसरा दिया है द्विभाषी और चौथा दिया है ज्ञानी। तो दो भाषाएं बोलने वाला जो होगा वह द्विभाषी कहलाएगा, मतलब उसको दो भाषाएं बोलनी आती हैं, दो भाषाएं हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेता है वह, तो वह द्विभाषी है, वह द्विभाषिया नहीं होगा, क्योंकि द्विभाषिया का मतलब है दो भाषाओं के बीच में मध्यस्थता, मतलब उसको ट्रांसलेट करने वाला। आगे बात करते हैं, आगे हमारा दिया है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब दूसरा कोई है ही नहीं उसके समान, ऐसी चीज जो हमने कभी कहते हैं हमने ऐसी चीज देखी इसकी तरह आज तक कोई चीज नहीं देखी है। तो हम यहाँ पे बात कर लें अनन्य नहीं होगा, अतुल्य, अतुल्य मतलब जिसकी तुलना नहीं कर सकते। तीसरा असीम, असीम मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्रिय वाली बात कहें कि असीम मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत फेमस है। अब हम यहाँ पे हमसे पूछा है जिसके समान कोई ना हो, समान की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मतलब असमान, ऐसा व्यक्ति जिसके समान कोई ना हो। अब यहां हम देखते हैं, यहां हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे आरओ एआरओ से रिलेटेड, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आए होंगे, और जिसको भी ये समझ में नहीं आए हैं या इसमें कोई भी ऐसी कमी रह गई आप नहीं समझ पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हैं जिनको नहीं समझ आया वह कॉन्टैक्ट में हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपके सारे प्रश्नों के जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर देगी, और कोशिश करूँगा मैं खुद उनको देखकर आपको क्या नाम है कमेंट आपके जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूँ। इसी के साथ मैं आप सभी को विदा लेता हूँ, जय हिंद।